वो मुझको छोड़ ना देती तो और क्या करती, वो मुझको छोड़ ना देती तो और क्या करती। मैं ऐसी किताब हूँ जिसके कई प्रश्न ना रहे। मित्रों, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने सारांश प्रस्तुत करूँगा, बहुत दिलचस्प और रोचक सारांश है। यह सारांश जो है फणीश्वरनाथ रेणु हैं उनकी लिखी हुई कहानी है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो है ये कहानी है, उन्होंने लिखी थी और ये अधूरी प्रेम कहानी है। अधूरी प्रेम कहानी होने के साथ साथ इसको उन्होंने प्रकाशित किताब में करवाया है मारे गए गुलफाम के नाम से, और तीसरी कसम के नाम से जो है ये मूवी आई थी जिसमें राज कपूर और बहीदा रहमान ने काम किया था। राज कपूर इसके डायरेक्टर थे फिल्म के, और बहुत दिन तक मतगणना चलती रही राज कपूर जो हैं उनके बीच और फणीश्वरनाथ रेणु के बीच। चूँकि फणीश्वरनाथ रेणु सोच रहे थे कि पहले ये कहानी प्रकाशित हो जाए 1975 में, और डायरेक्टर जो थे हीरो भी थे फिल्म के राज कपूर, वो ये सोचते थे पहले फिल्म जो है पब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर फिल्म लोग देख लेंगे तो कहानी बाद में जो है पढ़ी जाएगी। और फणीश्वरनाथ रेणु सोच रहे थे पहले अगर मेरी कहानी पढ़ ली जाएगी उसके बाद फिल्म आना चाहिए, दोनों लोग सोच रहे थे नुकसान होगा। बाद में फाइनली ये हुआ कि अच्छे पैसे देकर फणीश्वरनाथ रेणु से ये कहानी ले ली गई थी और पहले फिल्म आई उसके बाद में ये किताब ये कहानी प्रकाशित हुई। आइए इसका सारांश हम आपके सामने पेश करेंगे। इसमें दो कसम जो है हीरा मन शुरू में खा लेता है। इसमें मुख्य दो ही किरदार हैं, हीरा मन है और हीरा बाई है। इसके अलावा और भी हैं, उस नौटंकी जिस नौटंकी में वो काम करती है उसके पात्र हैं, जहाँ जाती है नौटंकी में वहाँ के पात्र हैं, साथ साथ में हीरा मन के साथ जो और बैलगाड़ी चलाते हैं वो हैं। तो आइए जानते हैं, जल्दी से बात ना लंबी करते हुए, ये BA सेकेंड ईयर में इसको शामिल किया गया है। अधूरे प्रेम कहानी है, इसीलिए मैंने शुरू में शेर कहा था, अभी फिर से वो शेर कहूँगा, ये कहानी पर बिल्कुल फिट होगा। अधूरे प्रेम कहानी का सारांश देखते हैं। अच्छा, इसका फणीश्वरनाथ रेणु तीसरी कसम कहानी के लेखक हैं। इन्होंने बिहार प्रांत के ग्रामीण जीवनों का जीवन को उभारने का सफल प्रयास किया है, और तीसरी कसम कहानी का सारांश इस प्रकार है। कहानी हिंदी कथा साहित्य पाठ्यक्रम में पढ़ी जाती है। कहानी गांव के हीरा मन गाड़ी वाले के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई है। ये बैलगाड़ी से सवारियां ढोता है स्टेशन से गांव के लिए। हीरा मन एक बार एक नौटंकी में काम करने वाली नृत्यांगना हीराबाई, यानी नाचने वाली हीराबाई को अपनी गाड़ी में अत्यधिक दूर ले जाता है भाई, जिस गांव में जा रही होती है नौटंकी के लिए वहीं ले जाता है। हीराबाई गाड़ी में अकेली ही यात्रा करती है। उसका स्वरूप, उसकी भाषा, सब कुछ हीरा मन को अच्छे लगते हैं। वह हीराबाई की ओर आकर्षित और अशक्त हो जाता है। हीराबाई भी हीरा मन को पसंद करने लगती है। किसी अन्य कंपनी में हीराबाई नौकरी लग जाने के कारण वह गाँव छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार हीरा मन की दुनिया सुनी हो जाती है। वह यह कहकर हीरा मन कलेजा थाम लेता है अजी हाँ मारे गए गुलफाम। इस मूवी को मैं एक बात, अब इस कहानी जो कहानी है तीसरी कसम, इसका संपूर्ण सारांश मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। मगर उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, इस कहानी को सही से समझने के लिए, आनंद लेने के लिए मेरा ख्याल है कि एक बार आपको मूवी देखनी चाहिए। मैंने इस मूवी को 3-4 बार नहीं बल्कि 12-13 मर्तबे देखा है। अच्छी मूवी है और इसमें वेदना है। हीरा मन प्रायः 20 साल से गाड़ी हाँकता है। बस समाप्ता सीमा के उस पार सोरंगराज नेपाल से तस्करी ढोता रहता है। तस्करी का माल ढोया जा रहा है बिहार से नेपाल के लिए। यह करते हुए उसके दिल में थकान हो गया है, मतलब ये काम करता रहता है। और एक बार क्या होता है, इसी गाड़ी में ये जो है माल तस्करी का ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पुलिस पकड़ लेती है, और पुलिस पकड़ लेने के बाद इसको पीट देती है और
बहुत मुश्किल से ये छूटता है और पहली कसम खा लेता है कि आज के बाद हम ऐसा माल नहीं ढोएंगे। फिर दूसरी घटना इसके साथ क्या होती है, एक बार उसने 100 रुपये लेकर सर्कस कंपनी के बाग ढोते थे, किंतु आज हीरा मन की एक महिला, फिर दूसरी इसने ये क्या हुआ कि बाघ दूसरी कंपनी में 100 रुपये लेकर बांस ढोता है और वो बांस जो होते हैं वो दूसरे बैल गाड़ी वाले से टकरा कर उसमें उसकी चोट लगती है, जिस वजह से फिर पुलिस थाना होने के चक्कर में इसको फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, मार भी होती है पुलिस के अंदर, बुरा भला भी कहना सुनना पड़ता है, जिस वजह से ये दूसरी कसम खाता है। आज ये तीसरी घटना इसके साथ होने जा रही है। हीरा मन एक महिला को ले जाकर, नाम है हीराबाई, बैठा लेता है। अब वह पहले मथुरा मोहन कंपनी में काम करती थी, वही हीरा भाई, ये तीसरी घटना है। किंतु उसको छोड़कर, अब यहीं से कहानी शुरू हो रही, किंतु उसको छोड़कर वह रीता नौटंकी में काम करने के लिए फारबिसगंज में जा रही है, फारबिसगंज जा रही है। उसने चंपा का इत्र अपने कपड़ों में लगा रखा है, यानी वही जो इसकी मुख्य पात्र ही है, नृत्यना जो नाचने वाली है हीराबाई, उसने इत्र लगा रखा है, जिसकी वजह से सुगंध से हीरा मन को पागल बना दे रही है। हीरा मन के मन में हलचल होती है और वह हीराबाई से बातें करता है। हीराबाई एक चालाक नारी की भांति, चालाक तो थी ही उसकी वजह है, क्योंकि वो नृत्यांगना थी और इस वजह से नाचने वाली थी। वो क्या करती है, बढ़ावा देती रहती है। लेखक लिखता है कि हीराबाई ने परख लिया कि हीरा मन सचमुच में ही हीरा है। हीरा को वह घटना याद आती है कि जब वह इसी प्रकार अपनी भाभी को बंद गाड़ी में लाया था, रास्ते में गांव की बोली ठिठोली उसके कल्पना लोक में भेज देती है, यानी वो अतीत में चला जाता है जब वो अपनी भाभी को इसी तरह से बैठा कर अपनी गाड़ी में लाया था। जब वह इसी प्रकार अपनी दूसरी दुल्हन को लाएगा, या उसकी पत्नी मर चुकी है, यानी ये जो है विधुर है, इससे पहले भी इसकी एक शादी हो चुकी बाल्यावस्था में, विवाह के थोड़े ही दिन बाद। हीराबाई के प्रति हीरा मन एक विचित्र लगाव पैदा हो जाता है। वह नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति हीराबाई को देखे अथवा हीराबाई से उसको बात करते समय उसको कोई देखे। कई गाड़ी वालों को आते जाते देखकर वह टप्पर का पर्दा डाल देता है। लेखक लिखता है कि हीरा मन कजरी नदी के किनारे ठहर जाता है। वह हीराबाई को हाथ मुंह धोने के लिए भेज देता है इसी नदी के किनारे पानी में, और हीराबाई के स्वयं लौटकर आ जाने के बाद वह स्वयं नदी पर जाता है, यानी हीरा मन फिर अपने आप जाता है मुँह धोने। नहा धोकर वह वापस गांव में दही चूड़ा ले आता है, गांव से दही चूड़ा खरीद लाता है। तब तक हीराबाई सो जाती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये हीरा मन जो है ये थोड़ा सा अंधविश्वासी भी है, भूत प्रेत पर भी विश्वास रखता है। हीरा मन हीराबाई को जगाकर कहता है, उठिए, नींद तोड़िए, दो मुट्ठी जलपान कर लीजिए। पूरी औपचारिकता के पश्चात दोनों व्यक्ति जलपान करते हैं। हीराबाई गाड़ी में और हीरा मन दरी बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। दिन ढलने के समय दोनों एक साथ जागते हैं। हीरा मन गाड़ी चला देता है। हीरा मन प्रमुख सड़क छोड़कर कनकपुर वाली सड़क पर गाड़ी मोड़ देता है, गांव के नाम याद रखना, मोड़ देता है। यहां गाड़ी भी फारबिसगंज जाती है। हीरा मन को महुआ घटवारन इनकी कथा याद आती है, यानी एक महुआ घटवारन की वहीं कथा होती है। महुआ घटवारन एक लड़की थी, उसके माँ सौतेली माँ थी, और सौतेली माँ ने ये पूरी कहानी सुनाता हीरा मन, और इसमें जो है वो महुआ को व्यापारी के हाथ बेच देता है, और वो जिससे प्यार करती है उससे उसकी शादी नहीं हो पाती है, वो भी एक अधूरी प्रेम कहानी है, और हीरा मन सुनाता है हीराबाई को, क्या होता है याद आती है, और उसका रसिक स्वरूप मुखर हो उठता है। कथा के संदर्भ में वह दो तीन गीत भी गाता है।
याद रखना, इसमें फिल्म अगर देखेंगे तो उसमें टॉप टॉप के गीत हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, एक वो और सजनबा बेरी हो गए हमार, इस तरीके से मुकेश के गाने हैं, वो गाने बहुत अच्छे गाने हैं इसमें। दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई, शैलेंद्र ने सारे गाने लिखे हैं और शंकर जयकिशन ने जो है वो म्यूजिक दी है इसकी। आगे देखते हैं, व दोनों गीत गा, कई गीत गाता है, दो तीन गीत गाता है। इसके बाद में हीराबाई इन गीतों को समझती है और उसका रस लेती है। गीतों को गाते गाते हीरा मन भाव विभोर हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हीराबाई हीरा मन के गाने द्वारा प्रभावित होती है और उसका अपना उसको अपना गुरु उस्ताद मान लेती है। कभी सखा कभी गुरु कभी, ये कई तरह कई रूप में वो इसको हीरा मन को हीराबाई स्वीकार करती है। हीराबाई हीरा मन हीराबाई के लिए कानपुर पहुंचकर चाय ले आता है, ले आता है। वहां से चलकर रात के पहले पहर में वे लोग फारबिसगंज पहुंच जाते हैं। फारबिसगंज जो हीरा मन हेतु घर की तरह है, यहां उसके अन्य गाड़ीवान साथी मिल जाते हैं। चूँकि यहाँ गांव के और भी सामान ढोने वाले जो गाड़ी चलाने वाले वो भी इस मेले में और सामान लाए हुए हैं जहाँ ये नौटंकी लगने जा रही है। हीराबाई सबके लिए कौतूहल एवं आकर्षक का विषय बन जाती है, साथ ही सब लोग हीरा मन को लक्ष्य करके छिटाकशी कर भी करते हैं। हीराबाई हीरा मन को किराए भाड़े के 50 पैसे देती है, अठन्नी कह जा सकता है। हीरा मन को यह अच्छा नहीं लगता, हीराबाई उसको अपनी स्थिति का एहसास करा देती है। हीरा मन को मानो कोई आसमान से ज़मीन पर गिरा देता हो, ये वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब कहानी पढ़ेंगे पूरी। चूँकि जो शख्स जो है, जो इंसान जो व्यक्ति है किसी से प्रेम करता हो और वो उसे अलग भावने से देख रहा हो, और वो व्यक्ति जब पैसे के संबंधित बात रख दे जिसमें सामने वाले व्यक्ति को तुच्छता महसूस होती हो, उस दशा का बयान किया है। कल्पना कीजिए, मुंशी प्रेमचंद ने जब नाटक वो उपन्यास लिखा गोदान, जब अपनी लड़की को होरी बेचता है और शादी के लिए रूपा को, तब उसके बदले में जब वो पैसे हाथ में लेता है, उस दशा को आप देखिए, वही यहाँ पर है। यह प्रेम का मसला है, वहाँ पर इज्जत का मसला था। हीराबाई हीरामन को रीता कंपनी में जाकर उससे भेंट करने के लिए कहती है। हीराबाई नौटंकी के अठन्नी वाले 50 पैसे देती है, वही अठन्नी देती है। हीरामन अपने रुपयों वाली थैली हीराबाई को सौंप देता है, इसलिए कि इनके पास सुरक्षित रहेगी, यहाँ से जब घर जाएंगे तो ले लेंगे। नौटंकी प्रारंभ होती है, हीराबाई पर लोग आवाज़ें करते हैं। हीरा मन के साथियों को विशेषकर पलट दास को यह बुरा लगता है, यानी हीरा मन जो है उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो स्पेशल इसका पास बनवा देती है हीराबाई, और जब नौटंकी शुरू होती है तो ये आगे ही बैठता है, और लोग जब गलत सलत बातें करते हैं हीराबाई के लिए तो हीरा मन जो है उनसे लड़ बैठता है। मारपीट होने लगती है, पुलिस वाले अपना डंडा फटकारते हैं। नौटंकी को नौटंकी का मैनेजर बीच में पड़कर पुलिस वालों को समझा देता है, कहने का मतलब वो बात ख़त्म करवा देता है। मथुरा मोहन कंपनी के आदमी दंगा करना चाहते हैं, वो ऐसे दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देता है, वे लोग उन्हें ही लोगों के ठीक कर रहे हैं, मतलब पुलिस वालों को समझाकर मैनेजर ये बात ख़त्म करवाता है। करीब 10 दिन तक नौटंकी चलती है, 10 दिन और 10 रात ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं। हीराबाई की सेवा करने में वह स्वयं को भाग्यशाली समझता है, कौन भाग्यशाली समझता है, हीरा मन, किसकी सेवा करने में, हीराबाई की। कहानी का घटनाक्रम सर्वथा रोचक है, उसके प्रति पालक की उत्सुकता बरकरार बनी रहती है। विशेष रूप से क्या है कि प्रत्येक घटना के साथ एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व जुड़ा रहता है। कहानी का नामकरण सदैव ही सार्थक है, हीराबाई को गाड़ी में बैठाकर आखिर है बिल्कुल, हीराबाई को गाड़ी में बैठाकर उसने सहज भाव से एक नई दुनिया की कल्पना कर ली थी। उसने जो सपना देखा था वह झटके में टूट जाता है जब हीराबाई उसको केवल दया का
पात्र समझती है। यहीं पर इस ठंडी आहें भरता है और गाड़ी में बैठकर जब हीराबाई जाने वाली होती है, स्टेशन से गाड़ी छूटने वाली होती है, तो वो कहती है जो तुमने हमारी सेवा की है इसको हम सदैव याद रखेंगे। और हीरा मन सेवा के भाव से नहीं, प्रेम भाव से वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। प्रेम अधूरा रह जाता है, वह तीसरी कसम खाता है कि वह अब कंपनी की औरत की बाहनी कभी नहीं करेगा, यानी किसी भी औरत को कंपनी में काम करने वाली को नहीं बैठा लेगा। दो कसम वह एक अन्य घटना के संदर्भ में पहले ही खा चुका था। वह चोर बाजारी का माल कभी नहीं ला देगा, यानी चोर बाजारी में बांस की लदान किसी भी भाव नहीं करेगा, बांस के चक्कर में दूसरी कसम खाता है। और तीसरी कसम क्या है, कितनी भी मजदूरी क्यों ना दे, यानी कोई भी इंसान कितनी भी मजदूरी दे, पैसा दे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, वो ये कसम तीसरी कसम खाता है। और इस तरह से ये जो है प्रेम, अधूरे प्रेम पर लिखी गई कहानी है जिसमें टीस है। और मैंने ये शेर कहा था बिल्कुल सच था कि वो मुझे छोड़ ना देती तो और क्या करती, मैं ऐसी किताब हूँ जिसके कई प्रश्न ना रहे। अब जिसके प्रश्न नहीं रहे हैं तो उसे कौन पढ़ना चाहेगा। खैर, कहानी समझ में आ गई होगी, इसका सारांश आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब एक नई कहानी या नए जीवन परिचय किसी के साथ जो सिलेबस में शामिल हैं उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।